जिला आपदा प्राधिकरण के तत्वावधान में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि 28 स्थलों पर तटबंधों के मरम्मत व सुंदरीकरण तथा 2 स्थलों पर रिवर ड्रेजिंग का कार्य संचालित है, जिसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिले स्तर पर नावों एवं नाविकों की सूची उपलब्ध कराकर तहसीलों में जमा किया जाए। जिला पंचायत राज विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत निधि द्वारा नाव खरीदने की कार्रवाई तेज की जाए, साथ ही अन्य जनपदों में नाव की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही शासन स्तर से राहत खाद्यान्न किट में सम्मिलित खाद्य सामग्रियों का वितरण प्राप्त होते सभी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए और बाढ़ के समय पशुओं के चारे की व्यवस्था किया जाए। इस अवसर पर SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SDM खजनी पवन कुमार, जिला आपदा प्रभारी गौतम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, उसी के संबंध में है सर, ये जो कि पूरे 6 तहसील को प्रभावित करती है, 1 तहसील मात्र खजनी उससे वंचित है, बाकी सभी तहसील उससे प्रभावित होते हैं। कुआनो खजनी को बेसिकली एरिया और रोहिण सर कैंपियरगंज और सदर और आमी जो है सर वो सहजनवा बांसगांव सदर और खजनी और गोर्रा सदर और चौरी चौरा, ये मतलब 6 नदियाँ हैं सर। लगभग 450 किलोमीटर का पूरा ये पैच हो जाता है सर नदी का गोरखपुर में। ये सर ये हम लोगों ने सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ बैठ करके बनाया था, जिससे सर ये है कि गोरखपुर में टोटल 13 नदियों का पानी आता है, इसके भी यहाँ पर ये विभिषिका ज़्यादा है। लेकिन एक थोड़ा सा हमारे पास अर्ली वार्निंग का एक समय ये रहता है कि हमारे पास जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो 48 से 72 घंटे की एक सूचना हम लोगों को मिल जाती है यहाँ पर इस क्षेत्र में, ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें और तटबंधों को सुरक्षित रखने का कार्य कर सकें। और लगभग 1.5 लाख के आसपास की जनसंख्या से प्रभावित हुई थी सर, क्योंकि उस साल थोड़ा सा बाढ़ कंट्रोल में था, क्योंकि पार्ट पार्ट में आया था, लेकिन थोड़ा सुपर रही है और 398 गाँव प्रभावित हुए और लगभग 1,24,000 परिवार में 1.25 लाख के आसपास परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब तक सर 61,623 किसानों को सर 18,27,00,000 का सर अनुदान दिया जा रहा है, ऐसे निवेश का ये जलस्तर है सर इसकी बाकी सर ये कंट्रोल रूम सर हमारे पास में जब फ्लड का सिचुएशन अराइज होता है सर, तो जब नदी अपने वार्मिंग लेवल को क्रॉस उसका मॉनिटरिंग किया जा सकता है। नमस्कार सर, मैं साथी नेता पार्टी ग्रुप चल रहा है, आज इंटरव्यू ग्रुप में बैठा था, उसके समय सर बता रहा है कि हमारे यहाँ पर 3 खंड काम करते हैं सर, पार्टन ग्रुप को पार्टन ग्रुप को और ड्रेनेटन ग्रुप को, कुछ सर मतलब तीनों खंडों में पैसा तटबंध है सर, उसी को लंबाई 400 ब्रैकेट की पाई हो सकता है और इसमें बकरा में सर जो इस बार जो और चलने से जो सबसे शक्ति का सर जो है और हमारे यहाँ एक हज़ार दिन से मरम्मत के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जो पार्ट होता है करा दें। अगर कोई जगह नहीं है तो कम से कम पत्र मतलब उनकी ड्यूटी लगा करके तैनाती करके वो आप हमें भी इन्फॉर्म कर दें, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दें और बाढ़ विभाग को भी इन्फॉर्म कर दें, ये राजस्व का रहेगा। उससे कोई आया है पशु पशुधन से एनिमल हस्बेंड्री से? जिला पशु चिकित्सा अधिकारी या उनका कोई डिपार्टमेंट, उनका दायित्व ये है कि बूढ़े इसका भूसे का टेंडर अभी से कर दें, तो गौतम जी उनको फोन करके बता दीजिएगा कि टेंडर अभी से कर दें, अभी भूसे का टेंडर करेंगे तो हो सकता है वो कुछ सस्ते में हो जाए। इसके बाद का जो दायित्व है वो विभाग से ही संबंधित है कि जब बाढ़ आती है तो तमाम चीज़ों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, रोड़ी की, मिट्टी की, अन्न की, इनका हाँ इनका भी आप टेंडर इत्यादि करिए और कहाँ पर आपका रिजर्व स्टॉक है उसकी सूचना हमसे शेयर कर लें, अन्य विभागों से भी शेयर कर लें। पुलिस का रोल हमेशा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि जैसे ही कोई अचानक कोई घटना दुर्घटना होती है तो 112 नंबर पर आदमी कॉल करता है, संबंधित थाना उसके साथ जुड़ जाता है, उसी के साथ जब आगे बढ़ता है तो फिर SDRF और NDRF हो जाती है। तो मेरा अनुरोध है कि जनपद गोरखपुर में अभी क्या हो रहा है कि हर मामले में NDRF को बुला लिया जा रहा है, तो ये एक चैनल रहे कि पुलिस फिर SDRF को ही कॉल कर ले, इसलिए कि मैक्सिमम जगहों पे
हम डेड बॉडी रिकवरी का ही काम कर पा रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि डूबते हुए हमने किसी को बचाया हो। नॉर्मल स्थितियों में क्या होता है कि कोई आदमी दुर्घटना हुई, डूब गया, फिर पहले दिन उसकी डेड बॉडी नहीं निकल पाई, फिर युवा के साथ एनडीआरएफ को बुलाया जाए, डेड बॉडी निकाली जाए। वो प्रथा हम लोगों को धीरे धीरे इसको बंद करना होगा या कम करना होगा, इसलिए एनडीआरएफ का कार्य डेड बॉडी खोजना नहीं है। नॉर्मली डेड बॉडी स्वतः ही एक दो दिन तीन दिन बाद बाहर आ जाती है, तो एसडीआरएफ अपनी तैयारी की स्थिति में रहे और एसडीआरएफ में किसको कॉन्टैक्ट किया जाना है वो गौतम जी आप एसपी साउथ साहब को सूचित कर दें, सभी थानों को बता देंगे कि कोई भी घटना अगर होती है तो एसडीआरएफ में किनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में फ्लड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की गई। इसमें जिलाधिकारी महोदय, एडीएम फाइनेंस, एसपी साउथ साहब, पुलिस के सभी अधिकारी एवं बाढ़, पीडब्ल्यूडी, विद्युत आदि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारी लोग, हमारे सभी तहसीलों के सभी एसडीएम साहबान ने प्रतिभाग किया। उद्देश्य यही रहा कि पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी उनके क्या कारण थे, उनका क्या निदान हो सकता है, उन निदानों में जो भी बाढ़ खंडों में जो भी परियोजनाएं हैं उनका क्या स्टेटस है, अगर भविष्य में बाढ़ आती है उसके लिए अभी से तैयारी की जाए, जैसे भूसे का टेंडर, राशन का टेंडर, जो स्टॉक है उसका टेंडर, नावों की व्यवस्था, नाविकों की व्यवस्था, गोताखोरों की व्यवस्था, सभी चीज़ें चाक चौबंद रहें, तैयार रहें, जिससे यदि बाढ़ आती है दुर्भाग्य से तो उसमें कोई जनहानि ना हो और किसी भी प्रकार की अन्य हानियों को कमतर किया जा सके।